तो पिछले वीडियो पे मैं आपके साथ बात किया था मूविंग एवरेज के बारे में, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस। गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस क्या होता है, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस का मतलब क्या है। गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस के बारे में मैं बस आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं बेकार की चीज़ें नहीं शेयर करूंगा जिसको मतलब जान के भी कुछ नहीं फायदा। जब 50 डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक करेगा उसको हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉस। जब 50 डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज को ऊपर से ब्रेक करेगा उसको हम बोलेंगे डेथ क्रॉस। गोल्डन क्रॉस इज द साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट एंड डेथ क्रॉस इज द साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट। तो जब ये 50 डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करेगा तब हम इसको बोलेंगे गोल्डन क्रॉस। एंड जब ये 50 डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करेगा तब हम उसको बोलेंगे डेथ क्रॉस। एक चीज याद रखना, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस डेली मूविंग एवरेज पे होता है। पॉइंट नंबर टू, गोल्डन क्रॉस होने के बाद बस गोल्डन क्रॉस को यूज करके हम लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करेंगे एंड डेथ क्रॉस होने के बाद बस डेथ क्रॉस को यूज करके हम शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। मतलब गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को यूज करके हम ट्रेड पुट नहीं करेंगे। गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को यूज करके हम ट्रेड पुट नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजन है गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस अक्सर लेट सिग्नल देता है। यहाँ पे जब डेथ क्रॉस हुआ था तब मार्केट इस पोजीशन, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे हमें आराम से स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब गोल्डन क्रॉस हुआ था तब मार्केट इस पोजीशन पे था, अगर हम फिर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे हमें आराम से स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डेथ क्रॉस हुआ था मार्केट इस सिचुएशन पे था, हम जब यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे हमें आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और भी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ था तब मार्केट इस पोजीशन पे था। तो गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को यूज़ करके हम ट्रेड पुट नहीं करेंगे, बस गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस के ऊपर बेस करके, मार्केट पे गोल्डन क्रॉस हुआ है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ये सोच लेके हम कभी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये अक्सर लेट सिग्नल देता है। यहाँ पे हम डेथ क्रॉस देख के ट्रेड ओपन करेंगे फिर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। आई थिंक मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं जब मार्केट पे गोल्डन क्रॉस होगा हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, जब मार्केट पे डेथ क्रॉस होगा तब हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, लेकिन बस वो ये बोलते हैं, वो खुद भी ये फॉलो नहीं करते। आप चार्ट पे जाके कैलकुलेट करो गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को समझने की कोशिश करो, तब समझ में आ जाएगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, वो सही बोल रहा है या गलत। मैं बस एक चीज़ आपको बता देता हूँ, गोल्डन क्रॉस जब होगा तब हम कोई शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। मार्केट पे जब गोल्डन क्रॉस होगा, मार्केट जब गोल्डन क्रॉस के बाद ऊपर जाएगा तब हम मार्केट पे कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड जब डेथ क्रॉस होगा तब हम मार्केट पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल पूरा अलग है, इंट्राडे ट्रेडिंग का माइंडसेट पूरा अलग है। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, कुछ भी हो सकते हैं। गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस को देख के हम अपनी पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोचेंगे। मार्केट पे अगर डेथ क्रॉस हुआ है एंड शायद हमारी कोई पुरानी पोजीशन पड़ा हुआ है, लॉन्ग पोजीशन, पुरानी लॉन्ग पोजीशन पड़ा हुआ है, हम उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। मार्केट पे अगर गोल्डन क्रॉस हुआ है शायद हमारा कोई पुरानी शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ है,